बुनियादी तौर से मुंशी नवल किशोर का जो सबसे अहम कारनामा है, जिसको हम अक्सर गुफ्तगू में नज़रअंदाज करते हैं या भूल जाते हैं, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कायम नहीं किया, सिर्फ हजारों किताबें छाप के अपना रिकॉर्ड कायम नहीं किया, मजहबी रवादारी की रवायत बरकरार नहीं रखी, उर्दू फारसी अरबी संस्कृत और दुनिया की तमाम जबानों पे काबिल कदर काम सिर्फ नहीं किया, उनका सबसे बड़ा काम ये था कि उन्होंने एक शोबा कायम कर रखा था जिसका नाम तो उन्होंने शोबा खजीनतुल कुतुब रखा था, लेकिन उनमें 5 ऐसे लोगों का तकरूर किया था उन्होंने जो सुबह से शाम तक हर जबान और हर फन के फर्स्ट एरियाज का इंतखाब करते थे और ये देखते थे कि कौन से ऐसे मौजू ऐसे हैं कि जिन पे अब तक काम नहीं किया गया है या कम किया गया है। इस हवाले से खुद मुंशी नवल किशोर साहब अपनी निगरानी में तमाम उलमा तमाम माहरीन से खुद जाके रابطہ कायम करते थे और उनको अपने यहाँ बुलाते थे, जो मुमकिन होता था उनकी मदद भी करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे, उनके माली हालात बहुत बेहतर थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, उनसे भी वो फैजियाब होते रहे। इस हवाले से मुझे मालूम हुआ जब मैं हकीम गुलाम हसनैन कंतूरी साहब जो तिब्बी किताबों के पहले मुतरजिम हैं उर्दू ज़बान के, उनके मज़ार पे को देखने के लिए अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने मालूम किया तो उनके पोते ने बताया कि मुंशी नवल किशोर साहब ने जब दावत दी उनको तो उन्होंने अपने मतलब की मसूलियत की वजह से मना कर दिया था, लेकिन उन चूंकि मुंशी साहब को उनकी सलाहियतों का बहुत ज़्यादा यकीन और अतमाद था तो वो खुद गए और वहाँ बदोसराय से किंदूर तक का फासला तकरीबन 13 किलोमीटर का है, वो साइकिल से बैठ करके गए और उनसे जाके गुजारिश की कि देखिए हम जानते हैं कि आपको इंसानियत को फ़ायदा पहुँच रहा है वो ज़्यादा अहम है, लेकिन आप जो तर्जुमे आपके अंदर जो सलाहियत है हम उससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो बहरहाल उनकी उस गुफ्तगू से मुतासर होकर के हकीम गुलाम हुसैन साहब हुसैन कंतूरी यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके अलावा एक डॉक्टर निसार अहमद साहब थे काकोरी के, उनके यहाँ वो चल के गए। काकोरी के लोग तो आप जानते हैं किस मिजाज के हैं, तो उनका भाई हम कहाँ बैठ करके वहाँ मुलाजमत करके, नहीं नहीं मैं आपको मुलाजमत में रखने नहीं आया हूँ, मैं आपकी सलाहियतों का। इसी तरह किताबों के सिलसिले में उनका मतमह नज़र अजीब गरीब था। देखिए इस्लामियात पे छापना, श्रीमद् भगवद गीता पे छापना यकीनन बहुत बड़ा काम था और ये तारीखी काम है जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसे मौजू को तलाशना जो 750 और 850 के बीच में अब्बासी दौर हुकूमत में जो काम बैतुल हिकमत ने अंजाम दिया था खुलफा अब्बासियों के जरिए, उसके बाद उस काम में बिल्कुल रुकावट आ गई थी, बिल्कुल सन्नाटा आ गया था, यहूदियों और ईसाइयों ने यूनानी किताबों के तराजिम करके उसे अपने नाम मंसूब करना शुरू कर दिया था, हम अरबी जबान के जखीरे से महरूम होते जा रहे थे और हमारे पास अरबी जबान से फारसी में जब हमारी तिब दाखिल हुई तो उस वक्त हमारे पास बिल्कुल कोई सरमाया नहीं था। ऐसे नाजुक मरहले को हम मानते हैं गदर अपनी जहाँ पे बेहद खतरनाक रहा होगा, लेकिन ये काम जो मुंशी नवल किशोर साहब ने तिब के हवाले से किया, उन्होंने तमाम किताबों को जगह जगह से मंगवाया। मैं आपको बताऊं कि एक ज़माने में हम लोग इल्मुल इलाज पर पुरानी किताबों की तलाश में थे, अलकानून को सब जानते हैं, शरद बाब को भी सब जानते हैं, रब्बन तबरी की फिरदौस हकमत को भी जानते हैं, बहुत सी किताबें ऐसी सामने आई, साबित इब्न उकरा की किताब मुख्तारात है उसमें भी है, ज़करिया जी के अलावी भी है, लेकिन जब हम लोगों ने तलाश किया तो एक किताब गैरा मौलाना नूह अलकमरी की जो शेख उर्रईस का उस्ताद था, यानी इब्ने सुना के उस्ताद थे वो, उनकी किताब जब तलाशे मालूम तो पता चला कि साहब उस पर हकीम मुंशी नवल किशोर साहब ने, जिन्हें हम हकीम भी कह सकते हैं, ये हमारे लिए फख्र का बाइस है अगर हम हकीम कहें, उन्होंने उसको तलाश करके रखा और उसके शाम। इसी तरह से शरह अल-असबाब अल-अलामात
کا اردو ترجمہ ترجمہ کبیر کے نام سے آج کی دنیا ساری جگہ واقف ہے، لیکن اصل کتاب جو نجیب الدین سمرقندی نے الاسباب والعلامات کے حوالے سے لکھی تھی، اس کا نسخہ منشی نویل کشور صاحب نے حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد دنیا کی پہلی کتاب جو شائع ہوئی عربی میں ہندوستانی سرزمین میں، وہ الاسباب والعلامات کے نام سے اس کا بھی شہرہ منشی نویل کشور کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دوسرے لوگ موجود ہیں، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، خالد صاحب اور انسٹیٹیوٹ کے ارکان اور صدر الصدور سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جو قوم اپنی وراثت کا تذکرہ نہیں کرتی وہ تاریخ کے صفحات سے غائب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہمیں اپنی وراثت کو محفوظ رکھنے میں بہت مددگار ہوں گے۔ بہت شکریہ۔